डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने गर्भावस्था के सामान्य लक्षण एवं संकेतों के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने सिम्टम्स ऑफ द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके अंदर मासिक चक्र का रुकना जो कि सबसे पहला सिम्टम होता है, गर्भावस्था का जी मिचलाना, लार का अधिक स्राव होना, मूत्राशय का अधिक उत्तेजित होना आदि के बारे में पढ़ा, तथा साथ ही स्तनों में परिवर्तन जो होते हैं गर्भावस्था के दौरान उनके बारे में भी पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा कि किस तरह से इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के सामान्य कष्ट क्या हैं। गर्भावस्था क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अवस्था है जिसके अंदर गर्भवती महिला की देखभाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी कहीं ढील दे दी जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ के जो कष्ट होते हैं वो काफ़ी तेज भी होते हैं और इस पर सजग रहने की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। अगर हम गर्भवती महिला में क्योंकि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं और साथ ही शिशु के तथा माँ के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, नैतिक स्वास्थ्य हो, गर्भवती महिला के लिए उनका ठीक करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। 90% गर्भवती महिलाओं में यह कष्ट होते हैं और किसी में इसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि किसी में कम होती है, किंतु कई बार ये इतनी ज़्यादा होती है तीव्रता कि इसके कारण कई बार शिशु के जन्म भी प्रभावित होता है। अब हम यहाँ पर जो गर्भावस्था के जो लक्ष्य कष्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत जी में चलाना, छाती में जलन होना, अपच की स्थिति होना या इंडाइजेशन होना, कब्ज की स्थिति होना, कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कह सकते हैं, बवासीर, हेमोराइड या पाइल्स भी कई बार हो जाते हैं, ऐंठन या पेशियों में संकुचन होना, अनिद्रा या नींद की कमी होना, बारंबार या बार बार मूत्र त्यागना यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन जिसे हम कहते हैं, शारीरिक सूजन होना, ऑडिमा होना और शिराओं का फूल जाना, ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कष्ट हैं जो महिलाओं के अंदर किसी में कुछ ज़्यादा होते हैं और किसी में कुछ कम पाए जाते हैं, लेकिन इनकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं पाचन प्रणाली से जो संबंधित समस्याएँ हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पाचन संबंधी जो है जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे जी में चलाने की, यानी यह कष्ट जो होता है या यह प्रॉब्लम जो है सबसे महिलाओं में पहले 3 महीने या कई बार 4 महीने तक पाई जाती है। सामान्यतः यह सबसे पहला संकेत होता है जो गर्भावस्था की सूचना देता है। वमन व जीव घबराना की शिकायत 60% गर्भवती महिलाओं में रहती है। इसका मुख्य कारण गर्भावस्था प्रारंभ होने पर हार्मोन्स में परिवर्तन होना होता है। कई बार संवेगों के कारण भी जो संवेग चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, इमोशनल हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी यह कष्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। खाली पेट विशेषकर जब हम देखें सुबह के समय यह बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है और यह कष्ट गर्भावस्था के 3रे माह तक समाप्त हो जाता है और कई बार हार्मोन परिवर्तन से समन्वय कर लेता है। वमन की शिकायत अगर अधिक या कई बार लंबे समय तक भी चलती रहती है, इसे गंभीर माना चाहिए, अन्यथा कई बार ज़्यादा वमन होने के कारण निर्जलीकरण होना या विषाक्तता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके उपचार के लिए जो है सबसे पहले भारी भोजन का सेवन नहीं करके दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन अवश्य कर लेना चाहिए। तरल पदार्थ का सेवन भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पर निर्जलीकरण होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, किंतु भोजन के बीच के समय में लेना उपयुक्त होता है। प्रातःकाल शुष्क व कार्बोज युक्त पदार्थ जैसे बिस्किट है, टोस्ट है आदि ले लेने से यह कष्ट काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो पाचन संबंधी प्रणाली है उसकी जो समस्या होती है, उसके अंदर छाती में जलन होना यानी हार्ट बर्निंग होना, या जिसे हम पायरोसिस भी कह सकते हैं, छाती में जो हमारी पसलियाँ हैं उसके ठीक नीचे कभी कभी जलन का अनुभव भी होता है। इस जलन का मुख्य कारण पेट में गैस व अम्ल का अधिक स्राव होकर ग्रास नली में आना है। इसका संबंध हृदय से बिल्कुल नहीं होता। ग्रास नली हृदय के पीछे स्थित होने के कारण जलन का अनुभव जो है वो हृदय से लगा दिया जाता है और इसी के नाम से इसको पुकारा जाता है, दैट इज़ हार्ट बर्निंग के नाम से इसको पुकारा जाता है। यह कष्ट मानसिक तनाव व पाचन प्रणाली में विचार होने से और भी अधिक उग्र हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रीटमेंट जो इसका हम कर सकते हैं, उसके लिए आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही जिससे भी गैस बनती है, सब्जियाँ जैसे प्याज, टमाटर, मटर, चना, मूली, फूलगोभी इत्यादि का सेवन इस अवस्था में कम करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के गैस विरोधी औषधि उपलब्ध है जिनका उपयोग हम डॉक्टरी सलाह पर कर सकते हैं। कह सकते हैं कि एंटा एसिड जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उनका एसिडिटी बढ़ने पर लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले डॉक्टरी सलाह या चिकित्सकीय सलाह आवश्यक होती है। कई बार सोडियम बाइकार्बोनेट का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि सोडियम की मात्रा इसमें अधिक होती है।
और जो शरीर को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान कई बार बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है, अपच की स्थिति होना यानी इनडाइजेशन होना। इस कष्ट का मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक होता है। गर्भावस्था से पूर्व भी अपच की शिकायत रहने पर यह कष्ट अवस्था से अधिक हो जाता है। गर्भावस्था के आकार में वृद्धि के कारण आमाशय का दबना और मध्यस्थ पेशी का जो पेशी है उस पर दबाव पड़ता है, इस कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इसके उपचार के लिए गैस बनाने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए और पेय पदार्थ जो है उनका अधिक व कम अंतराल में लेना ज़्यादा ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं कब्ज़ की स्थिति। कई बार गर्भवती महिलाओं में कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण कई बार पाइल्स की समस्या भी बढ़ जाती है, जो कि एक पहले तो सामान्य कष्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब यह समस्या ज़्यादा हो जाती है तो ये पाइल्स में परिवर्तित हो जाती है। गर्भावस्था के दबाव के कारण तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अधिक स्राव होने से हाथों की मांसपेशियाँ शिथिल पड़ जाती है। भोजन को आगे सरकाने से मांसपेशियों का संकुचन पर्याप्त नहीं होता, इस कारण भोजन से के निष्कासन में अधिक समय लगता है। कब्ज़ के उपचार के लिए हाँ जो निम्न उपाय हैं वो बहुत ही उत्तम है, जैसे आहार में तंतु अधिक या रफेज का होना बहुत ज़्यादा है, फाइबर डाइट हमें लेनी चाहिए जिसके अंदर सलाद हो सकता है, अनाज हो सकता है, फल पत्तेदार सब्जियां आदि से पाचन प्रणाली जो होती है वो अच्छी होती है। तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने से राहत मिलती है और साथ ही नियमित हल्का व्यायाम भी बहुत ही आवश्यक होता है। चलना घूमना आदि से मांसपेशियों की जो क्रियाशीलता है वो बनी रहती है और मल निष्कासन के नियमित समय जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज़ कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं रक्त संचारण से संबंधित यानी सर्कुलेशन से संबंधित जो है डिफ़िकल्टीज़ जो पाई जाती है गर्भवती महिलाओं के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं बवासीर की यानी हेमोराइड्स या पाइल्स। अगर बहुत लंबे समय तक कब्ज़ रहता है तो उसके कारण भी पाइल्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके साथ ही जब कब्ज़ रहता है तो शिराएं फूल जाती है, विशेष तौर पर मल द्वार के आसपास या आंतरिक व बाहरी दोनों हो सकती है। दबाव पड़ने पर इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाती है, कई बार गर्भाशय के दबाव से या फिर कब्ज़ की स्थिति में यह पड़ जाती है और रक्तस्राव भी होने लगता है, जिसे हम ब्लीडिंग पाइल्स भी कहते हैं। यह बहुत ही गंभीर समस्या होती है, इसका समय रहते निदान करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसका जो उपचार है, सबसे पहला होता है घाव पर मलहम लगाकर व पाउडर से उसको सुखा दिया जाता है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पाइल्स होता है, ब्लीडिंग होती है, तो इसमें कई बार ऑपरेशन करना भी आवश्यक हो जाता है। दूसरी जो समस्या है रक्त संचारण से वो है ऐंठन या पेशियों में संकुचन होना यानी मस्कुलर क्रैम्प्स होना। पेशी संकुचन की जो शिकायत रहती है, पैर में घुटने के नीचे जो पिंडलियाँ हैं वहाँ पर पीड़ादायक ऐंठन कई बार हो जाती है। इसका कारण है शरीर में कैल्शियम फॉस्फोरस का जो संतुलन है उसके बिगड़ने से होती है। शिराओं के फूल जाने के कारण भी पेशीय संकुचन हो जाता है। इसके उपचार के लिए पैरों को सीधा कर एड़ी को पिंडलियों की ओर मोड़ देने से राहत मिलती है। ऐसा करने से पिंडलियों की मांसपेशियों में तनाव कम हो जाता है और आराम भी मिलता है। साथ ही कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम लैक्टेट या ग्लूकोनेट तथा साथ में विटामिन डी की मात्रा भी गर्भवती महिला को दी जाती है। कई बार चिकित्सक दूध के सेवन को कम करने की सलाह देते हैं क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस अधिक होता है, किंतु कुछ एक दो ग्लास दूध का सेवन उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है शिराओं का फूल जाना। शरीर के निचले भाग विशेषकर योनि मार्ग पर पैर की शिराएं फूल जाती है, जिसे वैरिकोस वेंस भी कहा जाता है। पैरों की त्वचा से लगी हुई जो शिराएं हैं अधिक विस्तारित हो जाती है क्योंकि इन शिराओं की दीवारें अधिक पतली होती हैं। देखने में शिराएं जो होती है वो नीली और बैंगनी दिखती है और कई बार इन शिराओं के घायल होने में पटने से रक्तस्राव भी होने लगता है और खुजली भी होने लगती है। इसका उपचार ये है कि ऊंचे स्थान पट्टे पर या तकिए का सहारा देकर रक्त संचार को सुचारू बनाना चाहिए। कई महिलाओं को पैरों में मोजे पहनने व पट्टी बांधकर रखने की सलाह भी दी जाती है। पट्टी बांधने से पैरों के जो निचले भाग हैं और से ऊपर की ओर जो लपेट कर बांधनी चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट जो समस्या है शारीरिक सूजन का होना या ऑडिमा का होना। गर्भावस्था में रक्त संचरण में बढ़े हुए गर्भाशय के कारण व्यवधान आ जाता है। पैरों तक रक्त संचरण व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाता, इस कारण से पैरों में सूजन आ जाती है। कई बार सोडियम लवण व जल अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, यह भी सूजन का कारण बन जाता है, जिसे हम ऑडिमा कहते हैं। यह सूजन अस्थायी होती है जो उपचार करने से समाप्त हो जाती है। शारीरिक सूजन यदि लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए तथा इसका इलाज प्रॉपर करवाना चाहिए।
उपचार के अंदर अगर ऑडिमा ज़्यादा है तो इसको सबसे पहले तो है नमक कम कर देने से सोडियम की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। पैरों को आराम देना, ऊपर उठाकर रखना, लेटकर विश्राम से पैरों में रक्त संचार बढ़ता है और सूजन की स्थिति कम हो जाती है। अब आता है उत्सर्जन संस्थान से संबंधित जो कष्ट हैं जो गर्भवती महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं, जैसे बार बार मूत्र का त्याग होना यानी मिक्टुरेशन। गर्भावस्था में जो किडनियाँ हैं उस पर कार्यभार बढ़ जाता है, रक्त की मात्रा व परिसंचरण अधिक होने से किडनी को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो गर्भाशय का आकार व भार भी बढ़ जाते हैं, जाने से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और मूत्र जल्दी जल्दी त्याग के लिए जाना पड़ता है। प्रथम 3 माह में या प्रथम 12 सप्ताह तक तथा अंतिम माह में यह कष्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके लिए उचित विश्राम की आवश्यकता होती है तथा साथ ही तरल पदार्थों के सेवन से को नियंत्रण में रखना भी आवश्यक होता है। स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा की समस्या। गर्भावस्था के अंतिम माह में यह कष्ट अधिक होता है। गर्भाशय के बढ़ जाने से, भ्रूण की गतिविधि बढ़ने से, पैरों में पीड़ादायक संकुचन होने के कारण स्त्री को अनिद्रा की शिकायत रहती है। कई बार मानसिक तनाव के कारण भी या प्रसव के भय के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता आदि से बचना चाहिए। अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। प्रसव की जानकारी देकर भय को दूर किया जा सकता है तथा फैमिली का सपोर्ट भी इस समय बहुत ही आवश्यक होता है। थैंक यू।